और ऐसी कार जो 10 लाख के अंदर है, अब तक ये वीडियो आपको देखना इतना जरूरी है क्योंकि लास्ट तक आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। 10 लाख के अंदर किसी किसी गाड़ियों के तो टॉप एंड मिल रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। मेरे को भी धक धक हो रहा है बाबू भैया। और इस वीडियो की पहली कार टॉप एंड है तो पहली बॉल पे सिक्सर होने वाला है। और नोट कि इस वीडियो में कोई कार फर्स्ट नहीं है और कोई कार लास्ट नहीं है, ये कोई रेस नहीं है, तो सभी कारें अच्छी है, तो कृपया अपना दिमाग ना लड़ाए। नहीं। पहली कार है ग्रैंड आई-10 नियोस 1.2 एस्टा वाली ये कार है। इसकी एक शोरूम प्राइस जो है वो 7.56 लाख है और ऑन रोड ये कार आपको जाएगी कुछ 10 लाख के करीब करीब, सब एसेसरीज वेसेसरीज सब मिला के। और ये गाड़ी का माइलेज जो है वो 21 किलोमीटर पर लीटर है। जिस तरीके से ये कार दिख रही है, एक्वाटेल कलर में ये गाड़ी बन जाती है फायर, और बहुत ही प्यारी दिखती है। डायमंड कट अलॉय व्हील और हर तरफ से ये गाड़ी टॉप एंड के मज़े आपको देती है। शार्क फिन एंटीना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और वो सब खासियत जो एक परफेक्ट कार में होनी चाहिए। लेकिन सेफ्टी के मामले में देखें तो ये वार्निंग लाइट के साथ आती है, 2 एयरबैग आती है ओनली। ये तो टट्टी है। एनकैप रेटिंग भी इसकी 2 है तो सेफ्टी के मामले में ये थोड़ी मेरे को टट्टी लगती है। लेकिन भाई ओवरऑल फीचर्स और स्टाइल की बात करें ना तो ये गाड़ी आपकी हर तरफ से शान बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो 10 लाख के अंदर ये बहुत ही अच्छा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब दूसरी जो गाड़ी है वो होंडा जाज वी है। अब जाज वी की एक शोरूम कॉस्ट है 8,11,000 के करीब करीब। माइलेज ये क्लेम करती है 17.7 किलोमीटर पर लीटर का। इसमें इंजन जो है वो 1199 सीसी का है और इस गाड़ी की डिजाइन जो है वो बड़ी ही कमाल और शानदार है, जो कि आपको रोड पे सबसे हटके प्रेजेंस देगी। और अंडर 10 लाख ये बहुत अच्छी कार है और इसमें 2 एयरबैग आते हैं सेफ्टी के नाम पे। और इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग जो है वो 4 स्टार है। होंडा जाज वी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अपने पास रहने वाला है। और अब ये बेस मॉडल है तो इसमें ऑब्वियस फीचर कम हो गए, जो कि ये सनरूफ जो भी दिखाया है फीचर बहुत ही कम रहेंगे। तो फीचर सोच समझ के ही स्टडी करके ही इस गाड़ी के बारे में सोचना। लेकिन अंडर 10 लाख ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनने वाला है। अब ये है महिंद्रा का चीता XUV 300, लेकिन अपने को मिलता है अपने बजट में W4 जो कि बेस मॉडल रहेगा इस चीते का। और ये गाड़ी का एक शोरूम कॉस्ट जो है वो 8.41 लाख के करीब पर भी आएगा। इस गाड़ी में इंजन जो है वो 1197 सीसी का आता है, 3 सिलेंडर के साथ ये गाड़ी आती है। इस गाड़ी का माइलेज जो है वो महिंद्रा बताती है कि 17 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज देगी। लेकिन अपने को एक 10 लाख के अंदर अपने को बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक SUV मिलने वाली है, तो भी ऑप्शन कुछ रॉन्ग नहीं है। और सेफ्टी के बारे में देखें तो एनकैप रेटिंग इसकी 5 स्टार की है तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसमें 2 एयरबैग ही आती है तो कार अपने को मिलने वाली है अंडर 10 लाख के बजट में, तो ये भी बहुत ही अच्छा मेरे को तो लगता है ऑप्शन होने वाला है। फैमिली को बहुत ही आजकल अच्छे लगने वाले मॉडल्स टाटा यहाँ पे बना रहा है। लेकिन अपन देखने वाले हैं अपने बजट वाली कार, जो कि नेक्सॉन XM मॉडल जो कि अपने बजट में आएगा, जिसकी एक शोरूम कास्ट होगी वो आएगी 8.59 लाख के करीब करीब। और ये गाड़ी अपने को ऑन रोड 10 लाख के करीब करीब आएगी, जिसमें एक शोरूम RTO इंश्योरेंस के साथ। और ये सेकेंड बेस्ट मॉडल रहने वाला है तो उसी हिसाब से इसमें जो है वो फीचर्स वगैरह लोडेड रहेंगे। और गाड़ी का माइलेज है 17.5 किलोमीटर पर लीटर इसकी माइलेज रहने वाली है, जो कि बहुत ही तगड़ी है। और इनकैप रेटिंग इसकी 5 स्टार है। बोले तो पत्थर फोड़ टाटा अब अपनी गाड़ियों की सेफ्टी के लिए बहुत ही जाना जा रहा है। और ये भी गाड़ी वैसे ही ताबड़तोड़ निकली है 5 स्टार रेटिंग के साथ। 2 एयरबैग इस गाड़ी में आएंगे तो टाटा नेक्सॉन भी अंडर 10 लाख में अपने पास अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। और हर सेलिब्रिटी की जान और हुंडई की शान i20, जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है इसके शार्प लुक की वजह से, एग्रेसिव लुक की वजह से। और अपने को अपने बजट में मिलता है i20 मैग्ना, जो कि पेट्रोल वेरियंट आएगा। इसमें 7.7 लाख के करीब करीब इसका शोरूम आएगा। ये बेस्ट वेरिएंट के साथ आएगा। इसमें 4 पावर विंडो के साथ 2 एयरबैग और एकदम क्लासिक इंटीरियर के साथ अपने को ये बेस्ट मॉडल मिलेगा। और इसमें जो स्टेरेनाइट कलर है वो तो बहुत ही क्लासिक और लाजवाब मिलेगा। इसका माइलेज जो है वो हुंडई क्लेम करता है 19.6 का। और जो सेफ्टी रेटिंग है वो फिर से टट्टी है, 3 स्टार की इसकी रेटिंग आएगी, जो कि खूबसूरती देखे तो इसमें मरने का तो दिल हर किसी का करेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
स्टार भी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और इसके बाद आता है निसान मैग्नेट XV प्रीमियम, जो एक टॉप एंड गाड़ी है, फ्रंट वगैरह बहुत ही अच्छा है, गाड़ी के फीचर्स फीचर्स सब ही एकदम क्लास है। यह टॉप एंड गाड़ी अपने को मिलेगी जो कि अलॉय व्हील और जो फ्रंट इसका है वो निसान के हर गाड़ियों की तरह बहुत ही लाजवाब मिलता है। और जो अलॉय व्हील की डिज़ाइन है मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है इसकी, और जो फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है इस गाड़ी में। स्क्रीन व्रीन सभी फंक्शन के साथ अपने को गिरती है 8.33 लाख के करीब करीब, जो कि अपने बजट में ही आता है। गाड़ी का इंजन 999 सीसी का आता है, बहुत बड़ा इंजन लेके अपने को कहा रेस करनी है रॉकेट वॉकेट से या फिर कहाँ अपन रेसर वेसर है, तो मेरे को लगता है कि एक आम आदमी के लिए ये ठीक है इंजन जो कि 999 सीसी का आता है। माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है 18.7 किलोमीटर पर लीटर का, बोले तो बहुत ही बढ़िया माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है। सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार की है, सेफ्टी रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है इस रेट में। और गाड़ी का सेल देखो तो ये हर महीने में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अपने पास ऑप्शन रह सकता है। टॉप एंड मिल रहा है अंडर 10 लाख में, इसमें अपने को एक शोरूम RTO और इंश्योरेंस मिला के ये गाड़ी 10 लाख के ऊपर तो 100% नहीं जाएगी। फिर से अपनी हुंडई का ऑरा SXO सेडान लवर हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ ड्यूअल बूमरैंग जो नीचे DRLs दिए हैं वो बहुत ही गाड़ी का लुक बढ़ाने में ये मदद करती है। गाड़ी का टेल लैम्प फॉल लैम्प सब ही एकदम लाजवाब है, टॉप एंड गाड़ी के तो मज़े आपको पता ही है। डायमंड कट अलॉय व्हील सभी लोडेड गाड़ी आपको मिलेगी, लेकिन ओपल एनकैप सेफ्टी रेटिंग जो है वो उसकी 2 है। ये तो टट्टी है, हुंडई की तरफ से एक बड़ी टट्टी। और लेकिन इसका माइलेज जो है वो है उफ वाली चीज, इसका माइलेज 21 किलोमीटर पर लीटर, और आपको ये गाड़ी CNG के ऑप्शन में भी मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन रहेगा। तो इसका इंजन जो है वो 1197 सीसी का है और ये टॉप मॉडल टॉप फीचर्स के साथ रहने वाला है, तो लुक भी वैसा ही मिलेगा। अंडर 10 लाख में बहुत ही अच्छी अपने को गाड़ी मिल रही है ऑरा, जो कि हुंडई की तरफ से है ऑरा SXO। अपनी लिस्ट जरूर इसको ऐड कर लेना। अब अगर आप 7 सीटर सोच रहे हो और अंडर 10 लाख के बजट में सोच रहे हो तो ये नेक्स्ट गाड़ी आपके लिए है, ये है मारुति इरिटिगा LXi। इरिटिगा के तो फैन फॉलोइंग अलग ही है, उसके माहौल अलग ही चल रहे हैं, उसका देश अलग ही बन रहा है, क्योंकि इरिटिगा के चाहने वाले बहुत ही है अपने देश में। गाड़ी आती है 8.35 लाख के करीब करीब, जो कि बेस वेरिएंट रहेगा इस गाड़ी का। इसका माइलेज जो रहेगा वो 20.5 किलोमीटर पर लीटर रहेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस सेगमेंट में अंडर 10 लाख में। और इंजन जो रहेगा इसका 1462 सीसी का इसका इंजन रहेगा। गाड़ी में सिर्फ 2 ही एयरबैग रहेंगी और गाड़ी की सेफ्टी एनकैप रेटिंग जो है वो 3 स्टार है, यानी कि मारुति की तरफ से ये पहली टट्टी। उसके बाद टाटा का पंच, ये बहुत ही घमासान पंच था ऑटो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत ही हिला देने वाली रिवोल्यूशनरी ये कार बन गई है टाटा के युग जग कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो कि एक बहुत ही शानदार गाड़ी है, जो कि आपको मिलती है 8.32 लाख इसका एक शोरूम कॉस्ट गिरेगा। और अपन एक शोरूम RTO मिला है तो ये 10 के नीचे ही आएगा, जो कि गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV और बहुत सारे फील देती है, और लुक और स्टाइल देखे पंच का तो अलग ही तेवर है इसके। और 3.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। इसका इंजन जो है वो 1199 सीसी का है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है इस गाड़ी में। लेकिन 2 ही एयरबैग है, लेकिन ग्लोबल एनकैप रेटिंग 5 स्टार है, तो बहुत ही मजबूत ये रहेगी टाटा वाली गाड़ी। अब सबसे लास्ट में और सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं लाया हूँ ऐसी गाड़ी, बच्चों के भी मूड बना देती है ऐसी गाड़ी। अगर आपका बच्चा जीतता है तो ये गाड़ी आपके घर में होने की वजह से ही एक बच्चा आपका जीतता है, क्योंकि ये है स्विफ्ट डिजायर ZXi, जो कि 7.95 लाख का इसका एक शोरूम आएगा। ये गाड़ी जो है वो 23.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम करती है। इसका इंजन जो है वो 1197 सीसी का इसका इंजन आएगा। ग्लोबल रेटिंग इसकी टट्टी है, एयरबैग इसमें 2 है, ग्लोबल रेटिंग जो है वो 2 स्टार की है, बहुत ही कम, लेकिन इंडिया में इसको प्यार भर भर के दिया जा रहा है, भर भर के देते भी है हम। और ये गाड़ी अंडर 10 लाख में आ जाती है अगर आपका बच्चा जीतता है, या फिर उड़ भी रहे हैं लाइट लगा के तो इस गाड़ी की वजह से उड़ रहे हैं तो ये थे कुछ गाड़ियां जो अंडर 10 लाख के अंडर 10 लाख बजट में आते हैं। बस हवा निकल गई।
तो इतने में ही हवा नहीं निकल गई, और भी गाड़ियां हैं, जैसे कि अगर सेवन सीटर में आप देख रहे हो तो मारुति इको देख सकते हो, रेनॉल्ट ट्रैवर देख सकते हो, उसके बाद महिंद्रा बुलेरो नियो देख सकते हो, किया करंस देख सकते हो, और भी सारे जो है एमएस देख सकते हो, न्यूएस देख सकते हो, टाटा पंच तो देख ही रहे हो, अल्ट्रोस देख सकते हो, उसके बाद डिजायर ZX है तो देख ही ली है, अपने टियागो देख सकते हो, और किया सोनेट भी है लाइन में। तो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है, बंद करते हैं आज का वीडियो, यहाँ पे ही वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन आपको करना है, आपको खोपड़ी तोड़ना है उस लाइक बटन की, लाइक बटन के साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो का लाइक बटन कुछ ऐसा कह रहा है, और मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो बोला बाबू भैया जरा बोलो शाम को कि इस लाइक बटन की खोपड़ी तोड़ दे, और वीडियो में मजा आया तो बिल्कुल लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने इस चैनल को, और थैंक यू सो मच।